अंग्रेजों के जमाने का एयरबेस 103 साल पुराना चंडीगढ़ एयर शो में अम्बाला से भरेंगे उड़ान। देश की वायुसेना की ताकत जहां उसके जवान हैं तो वहीं आधुनिक लड़ाकू विमान उसे और बढ़ा देते हैं। चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस पर एयर शो में अम्बाला एयरबेस से भी लड़ाकू जहाज उड़ान भरेंगे। अम्बाला में तैनात राफेल इस एयर शो का जहां हिस्सा होगा, वहीं ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। साल 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह के दौरान राफेल को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया था। अम्बाला एयरबेस पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इसकी देखरेख कर रही है। यहीं से चीन व पाकिस्तान को वायुवीर जवाब देने के लिए तैयार है। अम्बाला कैंट में वायुसेना का एयरबेस 103 साल पुराना हो चुका है। साल 1919 में अंग्रेजों ने ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्थापित किया था, जिसके बाद कई लड़ाकू विमानों ने यहां से उड़ान भरी। इस दौरान DH-9 पर ब्रिस्टल फाइटर एयरक्राफ्ट को अपडेट किया गया था। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस एयरबेस की अहमियत काफी रही। यहीं से रॉयल एयरफोर्स की 99 स्क्वाड्रन और स्क्वाड्रन 114 ने लड़ाकू जहाजों को ऑपरेट किया। इसी तरह अप्रैल 1938 को स्टेशन हेडक्वार्टर की स्थापना अम्बाला में हुई, जबकि 28 स्क्वाड्रन भी तैनात की गयी। इतिहास पर नजर डालें तो अप्रैल 1958 को एयर कोमोडोर अर्जुन सिंह ने वैम्पायर जहाज लैंड कर यहां बने रनवे का शुभारंभ किया था। अम्बाला कैंट में साल 1954 में ही एयरफोर्स स्टेशन पर 7 विंग की स्थापना की गई। इस वायुसेना स्टेशन पर 60 के दशक में नेट, हंटर, मिस्र, तूफानी और वैम्पायर लड़ाकू जहाज तैनात थे। युद्ध में अम्बाला एयरबेस को भी टारगेट किया गया था। इस तरह साल 1971 के भारत पाक युद्ध में भी पाकिस्तान के निशाने पर अम्बाला एयरबेस रहा, जहां सबसे अहम रहा बालाकोट एयर स्ट्राइक, जहां पाकिस्तान के काउंटर अटैक को अम्बाला ATS से ही ट्रैक किया गया। यहां पर तैनात मिंटी अग्रवाल ने श्रीनगर को सूचित किया, जिसके बाद पाक लड़ाकू जहाज को जवाब दिया। इसको जवाब देते हुए भारत के अभिनंदन पाक सीमा में दाखिल हो गए थे। अम्बाला एयरबेस पर साल 1930 से विमानों की तैनाती रही है। यहां पर वर्ष 1930 में वापिती, 1941 में हॉकर ओडेक्स व हॉकर हार्ट, 1942 में हॉवर्ड, 1945 में टाइगर माथ व ऑक्सफोर्ड, 1946 में स्टिफायर, 1947 में टेपेस्ट, 1952 में वेम्पायर, 1953 में तूफानी, 1957 में हॉकर हंटर्स, 1960 में नेट, 1969 में सुखोई SU-7, 1979 में जगुआर, 2002 में वायसन, 2020 में राफेल वायुसेना का हिस्सा रह चुके हैं।